और बिहार के रोहतास से बड़ी खबर सामने आ रही है। कुमाऊं स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है, जिसके बाद गया दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग बाधित हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार के रोहतास से जो सामने आ रही है। कुमाऊं स्टेशन पर पटरी से ये ट्रेन उतर गई है और हादसे में एक रेल कर्मी के घायल होने की भी खबर है। हादसे के चलते कई ट्रेनें फिलहाल रोक दी गई हैं। बिहार के रोहतास से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कुमाऊं स्टेशन था जहां पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई, बेपटरी हो गई, जिसके बाद गया दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग बाधित हुआ है। कई ट्रेनें इसकी वजह से रोक दी गई है। हादसे के चलते कई ट्रेनें रुकी है और साथ साथ एक जख्मी भी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बिहार के रोहतास से जो सामने आ रही है। तस्वीरें भी इसकी सामने आ गई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मालगाड़ी थी वो बेपटरी हो गई और हादसे में एक रेलकर्मी घायल भी हुआ है। आपको बता दें एक रेलकर्मी के घायल होने की खबर है और इस हादसे के चलते कई ट्रेनों को रोक भी दिया गया है। और इधर झारखंड के बोकारो से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां पर मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई कर दी और आरोप है कि आरोपी एक मकान में घुसा और वहां से फोन चुराकर भागने लगा, जिसे इलाके के लोगों ने पकड़ लिया और आरोपी की जमकर पिटाई की। आरोपी की पैंट से लोगों को फोन मिला, जिससे गुस्साई भीड़ ने उसे जमकर मारा। लोगों के सामने आरोपी उसे छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ का गुस्सा शांत नहीं होता दिखाई दिया। हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और आरोपी को लोगों के चंगुल से छुड़ाया। पकड़ा हुआ था और चोर को गाड़ी में बैठा के थाना लेके आए। बताया गया कि आरोपी ने इस वारदात को अंजाम तब दिया जब घर में कोई नहीं था, लेकिन जब चोर घर से बाहर निकला तो मकान मालिक की नजर उस पर पड़ गई और आरोपी पकड़ा गया। और बड़ी खबर आ रही है चित्तूर से, जहां पर तीन लोगों की मौत हो गई है। पेपर प्लेट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ये आग लगी। इस हादसे में यूनिट का मालिक और उसके बेटे की भी मौत है। आंध्र प्रदेश की चित्तूर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां चित्तूर में बड़ा हादसा हुआ है। फैक्ट्री में आग लगने से तीन की मौत बताई जा रही है। पेपर प्लेट बनाने की ये फैक्ट्री थी जहां पर भीषण आग लगी और आग की चपेट में आने से तीन लोगों की मौत भी हो गई है, जिसमें यूनिट का जो मालिक था उसकी मौत हुई है और साथ साथ उसके बेटे की भी मौत हुई है आग में झुलसकर। पेपर प्लेट बनाने की ये फैक्ट्री थी जो धूं धूं कर जलती चली गई, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई है। चीन के रक्षा मंत्री और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा के बीच हुई एक मुलाकात के बाद कयास लगाए जाने लगे कि पाकिस्तान में फिर तख्तापलट हो सकता है। एक रोज पहले ही बाजवा ने चीन के दौरे पर वहां के रक्षा मंत्री के साथ बैठक की थी, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पाकिस्तान के भीतर ये सवाल तैरने लगे कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ चीन भी पाकिस्तान में तख्तापलट चाहता है, और क्या इसीलिए बाजवा ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, क्योंकि हाल के दिनों में बाजवा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सेना प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल नवम्बर में ही खत्म हो रहा है, इसके बावजूद हर अहम मौके पर शहबाज शरीफ की जगह वही नजर आते हैं। पाकिस्तान की बदहाली दूर करने के लिए अमेरिका से फंड के लिए गुहार भी बाजवा ने ही लगाई थी। यानी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बाजवा ही इन दिनों वहां की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। उनकी बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाजवा को कोसने वाले इमरान खान भी सत्ता के लिए उन्हीं की शरण में पहुंचे थे, और कुछ दिनों पहले ही उनकी पार्टी के एक नेता ने दावा किया था कि इमरान और बाजवा के बीच एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। तब कहा गया था कि इमरान खान ने फिर से पाकिस्तान की कुर्सी पाने के लिए बाजवा की मदद मांगी, उन्हें अपने पाले में लाने के लिए उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि इससे पहले बाजवा की तारीफ करते हुए इमरान खान ने उनका कार्यकाल बढ़ाने की वकालत भी की थी। साथ ही इमरान ने आरोप लगाया था कि शहबाज शरीफ ने नए सेना प्रमुख के लिए अपने करीबियों के नाम आगे किए, जिसके बाद वहां नए सेना प्रमुख के नाम पर विवाद छिड़ गया। कहा जाता है कि इसके बाद बाजवा का रुख भी इमरान को लेकर नर्म हो गया।